सरकारी बकाए पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटी यानी कि लेसा ने बकायेदार विभागों और संस्थाओं की लिस्ट तैयार की है। बकाया नहीं जमा करने की वजह से इन विभागों और संस्थाओं के कनेक्शंस काटे जाने की तैयारी है। केवल लखनऊ में ही सरकारी विभागों और संस्थाओं पर लेसा का 80 करोड़ से ज्यादा का बिल बका है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी विभागों के बकाए को लेकर लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। लेसा ने सभी बड़े विभागों को फाइनल वार्निंग जारी करते हुए बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। केवल लखनऊ में ही सरकारी विभागों और संस्थाओं पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है। मेरा 80 करोड़ रुपए सारे सरकारी विभागों पे बकाया है। सबसे ज्यादा बकाया राज्य संपत्ति विभाग द्वारा संचालित जितने संस्थान हैं उन पे है। पुलिस विभाग पे 10 करोड़ रुपए का बकाया है। न्यायालय पे 2 करोड़ रुपए का बकाया है। जिला प्रशासन पे 2 करोड़ का बकाया है। 8 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग पे। ये बड़े बड़े बकायेदार। लेसा के बड़े बकायेदारों की सूची में राज्य संपत्ति विभाग, यूपी पुलिस, सीआरपीएफ और कृषि विभाग शामिल है। लेसा का राज्य संपत्ति विभाग पर 8 करोड़, यूपी पुलिस पर 2 करोड़, सीआरपीएफ पर 2.43 करोड़, कृषि विभाग पर 2.74 करोड़, बीएसए ऑफिस पर 2.26 करोड़, पीएसी 32वीं बटालियन पर 1.79 करोड़, पीएसी 35वीं बटालियन पर 1.80 करोड़, शिक्षा विभाग पर 44 लाख, खेलकूद विभाग पर 64 लाख और फॉरेस्ट विभाग पर 21 लाख रुपए बकाया है। अभी तक हम लोग इनको नोटिस दिया करते थे, बीच में कभी कभी अप्रिय कार्रवाई विच्छेदन के भी करते थे, लेकिन चूंकि ये आम जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो मतलब मजबूरी में इनको फिर बिजली बहाल भी कर दी जाती थी। हम लोगों को ये आश्वासन मिलता रहता था कि हमारा मार्च में पैसा बजट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिजली बकाया न देने पर कार्रवाई को लेकर पहले भी नोटिस और आदेश जारी होते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं। आम आदमी के लिए मुसीबत बनने वाला बिजली बिल सरकारी विभागों और संस्थाओं के लिए महज एक सरकारी फाइल बनकर रह जाता है। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े विभागों को लेसा ने बकाया बिजली को लेकर नोटिस जारी किया है और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में आम आदमी का जीना मुहाल करने वाला बिजली विभाग क्या इन बड़े विभागों से वसूली कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा मनोज मिश्रा के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, इंडिया 24/7। और अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, वो इलाका जहां प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरती बिखेरी है, लेकिन अफसोस यह है कि इलाका आज तक जरूरी सुविधाओं का मोहताज बना हुआ है। यहां पर यही वजह है कि इलाका पर्यटन के तौर पर उभर नहीं पाया। रिपोर्ट देखिए। ये है रुद्रप्रयाग का बधाड़ी ताल इलाका जहां कुदरत ने बेशुमार खूबसूरती बिखेरी है। कदम कदम पर प्रकृति की मनोहारी छटा दिल को छू जाती है। वाकई ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन अफसोस प्रशासन ने कभी कुदरत की खूबसूरत देन की कदर नहीं की। सरकारी उदासीनता के चलते ये इलाका पर्यटन के लिहाज से आज तक उभर नहीं पाया। हम कोई ग्रुप के साथ यहाँ पे आए थे, लेकिन जब पहुंचे यहाँ पे तो ना यहाँ पे कोई रुकने के लिए कोई गेस्ट हाउस की व्यवस्था है, ना खाने खाने की व्यवस्था है, और ना ही इस ताल की इतनी खूबसूरती को देख सकते हैं आप। कितनी गंदगी चारों तरफ हो रखी है, पर्यटन विभाग के द्वारा कभी यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। पर्यटक स्थल देखने के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन असुविधाओं के कारण हमें निराश होकर जाना पड़ता है। जैसे हम इतने खुशियों के साथ आए थे कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा ताल होगा, और देखने के बाद लगता है कि चारों तरफ गंदगी है, ना कुछ ना कुछ। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दरअसल इस इलाकों को सवारने की कवायद अब तक नहीं हो पाई है। आलम यह है कि इस इलाके में अब तक जरूरी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई है, लिहाजा ये इलाका विकास की दौड़ में पिछड़ सा गया है। यहां तक कि यहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता मयारी रणधार मोटर मार्ग भी बदहाली का शिकार है। हमारे यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं इस बधाड़ी ताल में नहीं मिल पा रही। पर्यटकों को यहाँ पर रहने के लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं है। सड़कों की स्थिति आपने देखी होंगी, क्योंकि मयाली से और कोट तक बिल्कुल सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है। रहने के लिए, खाने के लिए होटल, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो अभी भी ये क्षेत्र इससे वंचित है। पर्यटन विभाग को खासकर इन चीजों पर खासकर ध्यान देना होगा। ये हमारी आर्थिकी भी है। यहाँ के ताल जो कभी इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे,
अब गंदगी का शिकार हो चुके हैं। रंगीन मछलियों से भरे रहने वाले ताल अब गंदे नाले में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास की योजनाएं नहीं बनी, प्रशासन और सरकार की ओर से कई बार घोषणाएं भी हुई, लेकिन आज तक सरकारी वादों को पूरा नहीं किया गया। रुद्रप्रयाग से हरिंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वहीं होली के बाद प्रतापगढ़ में गैर नृत्य शुरू हो गया है और इस डांस के जरिए जिले के आदिवासी भील मीणा समाज अपने सारे गम तकलीफ को भुलाने की कोशिश कर रहा है। हाथ में लाठियां लिए की जा रही इस नृत्य शैली को गैर नृत्य कहते हैं। ये नृत्य शैली सालों से प्रतापगढ़ के आदिवासी मीणा समाज के जीवन का हिस्सा रही है। उनका मानना है कि इस तरह के नाच गाने से उन्हें साल भर की दुख तकलीफ भुलाने में मदद मिलती है। यही वजह है कि हर साल होली धुलंडी के बाद मीणा समाज गैर नृत्य करता है। खास बात यह है कि इस डांस में कोई संगीत नहीं होता, बस ढोल की थाप होती है और आदिवासी अपनी ही भाषा में गीत गाते हुए नाचते रहते हैं। तो गांव के इकट्ठे होकर लेडीज और जेंट्स इकट्ठे होकर सब गैर नृत्य खेलते हैं। उसके बाद हर लोगों के गुलाल व दुलंडी लगाए करते हैं होली पे। फिर बाप दादा पहले ही पुराने लोग परंपरा से खेलते आए, इसलिए हम भी ये भाईचारा के हिसाब से खेलते जा रहे हैं। आर्थिक तंगी हो या पारिवारिक झगड़ा या फसल खराबे की चिंता, गैर नृत्य के साथ ग्रामीण सब कुछ भूल जाते हैं। इस नृत्य में साल में शादी करने वाले सभी लड़के दूल्हा बन जाते हैं और नृत्य में हिस्सा लेते हैं। प्रतापगढ़ के धोला पानी, बारवर्दा, मथुरा तालाब, धरियावद समेत कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी लोग पारंपरिक डांस कर अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं।